नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। मौलासर थाने की त्वरित कार्यवाही। दरअसल डिडवाना कुचामन जिले की मौलासर पुलिस थाने ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की जेके सीमेंट कंपनी से चोरी हुए 1,20,00,000 रुपए बरामद किए। राशि आरोपी के मामा के कुचामन स्थित घर से बरामद की गई। मामला बेहद रोचक है। ये पूरी घटना निम्बाहेड़ा में हुई, जहां जेके सीमेंट कंपनी के रुपए कर्मचारी अंकित मोरे ने चोरी की और अपने मामा के घर छुपा दिया। कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से चोरी को लेकर निम्बाहेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मौलासर निवासी कंपनी के कर्मचारी अंकित मोरे पर चोरी का संदेह जताया और 12,50,000 रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दी। निम्बाहेड़ा पुलिस ने इसकी सूचना मौलासर पुलिस को दी, ताकि अंकित मोरे के घर व उसके परिचितों के यहाँ तलाशी की जा सके। यहाँ मौलासर पुलिस ने आरोपी के मामा के कुचामन स्थित घर की तलाशी ली, तो पुलिस हैरान रह गई। जो राशि बताई थी, उससे कई गुना ज्यादा राशि एक बैग में मिली। पुलिस ने नोटों को गिना तो 1,20,00,000 रुपए, जिन्हें मौलासर पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा थाना पुलिस को इसकी सूचना भी दी। रिपोर्ट में राशि 12,50,000 चोरी होना बताया, लेकिन चोरी हुए थे 1,20,00,000। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस प्रकरण में 1,20,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद राशि है वो धारा 106 BNSS के तहत बरामद की गई है। दिनांक 31 जुलाई को मेरे पास में श्री शिव प्रसाद मोर एवं दौलतराज जी अग्रवाल थाने पर आए थे। इनमें शिव प्रसाद जी तो ये मौलासर के रहने वाले हैं, दौलतराज जी कुचामन के रहने वाले हैं। ये दोनों रिश्ते में साले बने ही हैं। इन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था शिव प्रसाद जी ने मेरे को, कि मुझे ये 3-4 नंबर उसमें थे कि ये लोग टेलीफोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं एवं मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, हम उसको उठाएंगे। मैंने उनसे कारण पूछा, आपको क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनके परिवार में जो टेलीफोन नंबर अंकित थे, उन नंबरों पे मैंने बात की, तो वो टेलीफोन करता जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों के थे। उनसे मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का है इनका, शिव प्रसाद जी का, ये यहाँ से कोई घटना कारित करके गया है। उसके बाद उन्होंने अपने लोकल थाने पे निम्बावाड़ा कोतवाली पे, कोई पहले से था, उनका परिवार था, मुकदमा था, उसमें उन्होंने संपर्क किया। कल दिनांक 1-8 को वहाँ की टीम आई। एएसआई साहब थे, उनका नाम सूरज कुमार जी, 2-3 जवान वो आए, उन्होंने फैक्ट्री का कर्मचारी भी साथ में था। उन्होंने बताया कि वो कल जो हमारे वहीं बातचीत की थी, ये लड़का हमारे यहाँ से कुछ कार्रवाई करके निकला है। जब तब तक उनका प्रकरण दर्ज नहीं था। प्रकरण दर्ज नहीं होने से के बावजूद मैंने उनको जो पुलिस की इमदाद होती है इमदाद दी। इमदाद के दौरान जो टीम गई थी, उन्होंने मेरे थाने का जवान हंसराज करके था और वो सूरज कुमार जी एएसआई साहब थे, वो दौलतराज नाम के व्यक्ति को लेके आए। उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरा भांजा अंकित मेरे पास 2-3 दिन पहले आया था और 1,20,00,000 रुपए मेरे पास रखे गया है। मैंने मेरे उच्च अधिकारियों से पूरी कहानी बताई, वो पैसे कुचामन में होना बताए। उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार मैं कुचामन दौलतराज जी के निवास पे गया। वहाँ उन्होंने एक कट्टा मेरे को बताया, कट्टा 500-500 रुपए की मुद्रा से भरा हुआ था, रुपए काफ़ी मात्रा में थे। उन्होंने मेरे को 1,20,00,000 रुपये बताए। वहाँ पे संसाधनों के अभाव में लाइट कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ उन पैसों की गिनती किया जाना संभव नहीं होने पे मैंने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया। उनके निर्देश उस उक्त कट्टे को दौलतराज जी के साथ में यहाँ थाना मौलासर लेके आ गया। यहाँ गिनती मशीन जो भी यही पड़ी है, ये लाके मैंने उन पैसों की गिनती की। उस तक मैं जब तक थाने वापस आया, तब तक श्रीमान सीओ साहब डीडवाना तरनजीत पूनिया भी अधिकारियों के निर्देशानुसार यहाँ आ गए थे। विधिक रूप से उनको गिनती करके और जो गिनती करने पे वो राशि 1,20,00,000 रुपए होना पाएगी।